सिक्स क्लास के विद्यार्थियों हम तुहाडी 3.5 अभ्यास का सत्तवा क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटिया 4, 7, 12 ते 14 सैकेंड के अंतराल वजदियां हन, जेकर घंटिया सवेरे 5 बजे कट्ठिया वजन तो दोबारा कदों कट्ठिया वजन के तुम दस्या से ना, जदों भी इतना क्वेश्चन आ जाए कि दोबारा कदों कट्ठिया वजन के जां अगेन टॉल टूगैदर अगेन स्टैप टूगैदर तो असं एलसीएम पता करते हैं। तो हूँ आप 4, 7, 12 ते 14 चार रकमों का कट्ठा लासावा पता करांगे। देखो बेटा असं लिख लिया है कि असी लासावा पता करांगे 4, 7, 12 ते 14 का। तो देखो बेटा सब तो पहले असी 2 का टेबल लिया, 2 के टेबल से जिहड़ी रकम नहीं जाती पहले वो लिख लो। 4 कदों आता, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। फिर 2 का बड़ा, 7 नहीं जाता, 2 एकम 2, 2 3 6। हम 3 का बड़ा, 1 नू सेम लिखना, 7 नू सेम लिखना, 7 नू सेम लिखना, तो 3 जाता 1। तो फिर 7 का बड़ा 1, 1, 1, 1, तो थोड़ा लासावा की आ गया बेटा जी, साढ़ा आंसर 84 आ गया बेटा, मतलब 84 मिनट सेकेंड। हूँ 84 सैकेंड जड़े ने बेटा जी वो साढ़ा आंसर आया। हूँ दसो 84 सैकेंड दूँ आप मिनट में किदा चेंज करते हैं, पता ना सारा नूं? हाँ 60 सैकेंड 1 मिनट बना दें तो 24 बच गए, मतलब 1 मिनट तो 24 सैकेंड बाद वो दोबारा कट्ठिया वजन गया। तो असी दसो सब तो पहला वो 5 बजे वजन से ना, यदा मतलब 5 बजन तो बाद 1 मिनट तो 24 सैकेंड आंसर की आएगा। फिर 5:01 लिख देना 1 तो 24 सैकेंड इदा ही घड़ी का टाइम होंगे ना, पहला घंटे होंगे फिर मिनट फिर सैकेंड बजे कट्ठिया वजन गया। ये साडा आंसर आ गया। तो टॉल टूगैदर एट फाइव 0124 आंसर आ गया। समझ लग गया 84 नू किदा आपां तोड़िया, ये ध्यान समझना बेटा। 84 सैकेंड से 60 सैकेंड का 1 मिनट बन गया, 24 सैकेंड बच गए। अगला क्वेश्चन देखो, 3 लड़के एक ही स्थान तो इको वार कदम उठा के चलना शुरू करते हैं, तो उन्होंने कदमों का माप इन्ना 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 है, शुरुआती बिंदु तो किस दूरी पर वो फिर कट्ठे कदम आ गया ना, कट्ठे कदम अगेन स्टैप टूगैदर, फिर वही एलसीएम पता करांगे बेटा। तो एलसीएम पता करने लिए असी 56, 70 ते 63 का लासावा पता कर जा रहे हैं। देखो बेटा असी 56, 70 ते 63 का लासावा पता कर जा रहे हैं। सानू पता है कि असी पाड़े सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही लेने होंगे ने बेटा। तो तुम देखो ये 3 अखर 7 के पढ़ते जाते, असं 7 का बड़ा लिया, 7, 8, 56, 7, 10, 70, 7, 9, 63। हूँ आप पाड़ा लै लिया 2 का, क्योंकि 8, 2 के पढ़ते 4 ते 10, 5 ते 9 नहीं जाता। फिर असी 2 का पाड़ा लिया, क्योंकि 5 भी नहीं जाता, 9 भी नहीं जाता, लेकिन 4 तो जाता है ना। फिर 2 का पाड़ा लिया, तो हूँ आप पाड़ा लवेंगे 9 नू 3 के पढ़ते जाया जा सकता है। फिर 3 का पाड़ा, तो हूँ असी लवेंगे 5 का पाड़ा। साडा लासावा की आ गया है, 7 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 गुणा करांगे आपां, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 90 इत्थे तक 90 हो गया बेटा जी, आ 90 बन गया। 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 28 90 नू ते 28 नू असी गुणा करांगे, ठीक है ना। हूँ जी अब आप 28 नू 90 नाल गुणा करिए तो कितना आएगा, आप गुणा करके देख लें, 8 × 9 = 72, 2 + 7 9 × 2 = 18 ते 7 = 25 2520 सेंटीमीटर साडा की आ गया जी आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ आया होगा तुहानू, ध्यान नाल समझना बेटा। 7वां ते 8वां क्वेश्चन दोनों दे विच लिखा सीगा अगेन स्टैप टूगैदर अगेन टॉल टूगैदर, कट्ठी वजन गियां कट्ठे कदम रखणगे, ते दोनों च आपां लासावा पता कीता है ते साडा आंसर आ गया। हुण 9वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं।
नौवे क्वेश्चन च कह रहे हैं बेटा जी कि दो संख्यावां 15 मासावा ते 65 लासावा हो सकती हैं, ध्यान नाल समझना बेटा। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज एचसीएफ एंड 65 एज एलसीएम। याद रखो कदे भी तुहानू इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 किसी दो संख्यावां दा मासावा ते 65 उन्हां दा लासावा हो सकता है, तुसीं कितना जवाब देना है। याद रखो कि मासावा दे पहाड़े ते लासावा आना जरूरी हुंदा है, हमेशा मासावा लासावा दा गुणनखंड हुंदा है बेटा, मतलब मासावा छोटा हुंदा है लासावा वड्डा हुंदा है। जे मासावा दे नाल लासावा नूं भाग करिए तां भाग पूरी होनी चाहीदी है, मतलब मासावा दा पहाड़ा पढ़िए तां लासावा उस दे उपर आना चाहीदा है। लेकिन असीं देखिए तां 15 दे पहाड़े ते 65 नहीं आउंदा, इस करके मासावा 15 ते लासावा 65 नहीं हो सकता। एक बार असीं लिख लिया है कि इत्थे 15 65 दा गुणनखंड नहीं है, मतलब 15 दे पहाड़े ते 65 नहीं आता है, इसलिए मासावा 15 ते लासावा 65 नहीं हो सकता। इंग्लिश वाले बच्चे हेयर 15 इज नॉट फैक्टर ऑफ 65, सो एचसीएफ एज 15 और एलसीएम एज 65 इज नॉट पॉसिबल। तो यह साडा नौवें क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो मैं पंजाबी मीडियम ते इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिए दोनों ने लिखा है, अपनी मीडियम के अकॉर्डिंगली ही आंसर उतारना बेटा, दोनों ने उतार लेने। हुण दसवां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन कहता कि दो संख्यावां विच 12 मासावा ते 72 लासावा हो सकता है। हुण देखो 12 दे पहाड़े ते 72 आउंदा है कि नहीं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 छिक 72, यस तो 12 72 का गुणनखंड है, इस करके ये हो सकता है। देखो बेटा असीं लिख लिया है कि इत्थे 12 जिहड़ा है 72 दा गुणनखंड है, इसलिए मासावा 12 ते लासावा 72 संभव है। हेयर 12 इज फैक्टर ऑफ 72, सो एचसीएफ एज 12 एंड एलसीएम एज 72 इज पॉसिबल। तो इस तरह दसवां क्वेश्चन भी साडा कंप्लीट हो गया, हुण आपां 11वां क्वेश्चन करांगे। दो संख्यावां दा मासावा ते लासावा दिता गया है, एक संख्या भी दिती गई है तो दूजी संख्या पता करो। इसके वास्ते सानूं एक फॉर्मूला याद करना होगा बेटा, फॉर्मूला है कि जदों भी दो संख्यावां ते मासावा लासावा दी गल होवे तां मासावा ते लासावा दा गुणनफल उन्हां दोनों संख्यावां दे गुणनफल दे बराबर हुंदा है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किन्ना दा, दोनों नंबरां दा। ते सानूं इहदे विच वैल्यूज भरनियां हुंदियां ने बेटा, ठीक है। ते हुण दसो साडे कोल एचसीएफ है, एलसीएम है, किन्ना है 13 ते 182, ध्यान नाल समझना है। मासावा दी थां असीं लिख लिया है 13 गुणा, लासावा दी थां लिख लिया है 182 बराबर है। पहला नंबर साडे कोल है, वन ऑफ द नंबर इज 26, ते दूजा नंबर असी पता करना है, दूजा नंबर सानू मान लिया असी एक्स, ध्यान नाल समझो समझ लग गई। सब तो पहला असी फॉर्मूला लिखिया मासावा गुणा लासावा बराबर है पहली संख्या गुणा दूजी संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे लास एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। हुण इस आ सारे वास्ते ये बेटा मासावा था मासावा पा लिया, देखो आ मासावा है आ लासावा है, मास एचसीएफ मासावा ते लासावा क्रमवार दा मतलब पहले मासावा है, फिर आ 182 दिता गया सानू लासावा, तो एक संख्या दी गई है 26, दूजी संख्या पता करनी सी 26 कितने जाएगा नीचे की गुणा कर रहे हैं, तो 13 गुणा 182 बटा 26 बराबर एक्स। हूँ यदि कटिंग कर देंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, दो दे पहाड़े तेन कटिया तो 2 9 18, 2 एकम 2, एक्स की वैल्यू आ गई जी 91, तो साड़ी दूजी संख्या कितनी होगी 91 होगी। लागे समझ, बहुत ही सिंपल तरीके ने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हम आप 12वां क्वेश्चन करांगे। दूजे क्वेश्चन कहता है कि दो सह अपार संख्यावां दा लासावा, लासावा कितना 195, तो एक संख्या दी है 15, तो दूजी पता करो बेटा। हुण ध्यान नाल देखो इस क्वेश्चन दे विच सानू मासावा भी नहीं दिता ना, लेकिन तुहानू याद है मैं तुहानू समझा चुका हाँ कि दो सह अपार संख्यावां दा मासावा हमेशा एक हुंदा है बेटा, वो किसी नूं दसण दी लोड़ नहीं है बेटा, वो सानू पता है कि सह अपार संख्यावां वो संख्यावां जिन्हां जो सिर्फ एक दे पहाड़े ते जांदियां ने। एक लासावा है 195, पहली संख्या 15 दित्ती गई है, तो दूजी असी पता करनी है, जिहड़ी चीज़ पता करनी उहनूं एक्स मान लैने आपां। हुण एक्स नूं छड्ड के जे नाल दी रकम है वो थल्ले भाग करन जांदी है, तो मतलब 195 नूं आपां भाग करनी है 15 दे नाल, तुसीं भाग करके देख लियो तुहाडे कोल आएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये मतलब एक्स का मुल आ गया है 13, जो कि तुहाडा आंसर है। इको ही फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, मासावा गुणा लासावा बराबर पहली संख्या गुणा दूजी संख्या। याद रखना है कि को प्राइम नंबर जिहड़ा एचसीएफ हुंदा है वो हमेशा 1 हुंदा है, इस गल का ध्यान रखना है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सह अपार संख्यावां दा मासावा हमेशा 1 हुंदा है बेटा। 13वां क्वेश्चन देखो,
देखो बेटा कहता दो संख्यावां दा मासावा 6 है, देखो मासावा 6 लिखता, अते दो संख्यावां दा गुणनफल मतलब पहली संख्या दूजी संख्या नूं गुणा करके सीधे 216 आ रहा है तो लासावा पता करो, जिहड़ी चीज़ पता करनी उत्थे एक्स लिखते ना बस। हुण एक्स दे नाल जो भी रकम दिख रही है उहनूं दूजे पासे भाग करन लई भेज देना हुंदा है, तो 216 नूं जे मैं 6 नाल भाग करां 6 3 18 बकाया बचा 3 उपर उतार लिया 6 6 6 36, इहदा मतलब साडे कोल एक्स दा मुल किन्ना आ गया है 36, जो कि साडा लासावा है, साडा आंसर है। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होएगा, बहुत ही सिंपल तरीके नाल तुहानूं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाए ने, तुहाडी अभ्यास 3.5 भी पूरी हो चुकी है। उम्मीद है तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होएगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तां वध तों वध इसनूं शेयर करियो अपने फ्रेंड दे नाल, ते मेरे वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लियो, ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो ताकि अगली वीडियो तुहाडे फोन ते शो हो सके बेटा।